मेरे पास ये एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स लगा हुआ है, तो इसमें जो हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन है, एप्लीकेशन वर्जन है, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। इसमें एप्लीकेशन वर्जन है 2.1.4137, एंड्रॉइड वर्जन 9 है, फर्मवेयर वर्जन है 3.1.6। चेक फॉर अपडेट करते हैं, यहाँ कोई अपडेट नहीं है। इसको हमने डाउनग्रेड करना है किसी ओल्डर वर्जन पे, जिसमें हमारे पास यूएसबी डीबगिंग का ऑप्शन आता था और हम इसमें एटीवी लॉन्चर वगैरह यूज कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं ये सब हम कैसे करेंगे। टाइम बॉक्स यही आया था, अब एक नया मॉडल आ चुका है, उसका सॉफ्टवेयर और आ रहा है, उसमें एंड्रॉइड वर्जन भी 11 आ रहा है। इस एक्सट्रीम बॉक्स का सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड करने के लिए हम बॉक्स को बंद कर देंगे। उसके बाद जैसे ही ये ऑन होता है, इनिशियलाइजिंग वाला ये ऑप्शन आता है, तो हम यहाँ से अडॉप्टर पिन निकाल देंगे पीछे से और फिर दोबारा लगा देंगे। ऐसा हमने 6-7 बार करना है, कई बार ये कम में भी हो जाता है और ज्यादा में भी हो जाता है, तो ऐसा करते रहेंगे। जैसे इनिशियलाइजिंग स्क्रीन आएगी, फिर से अडाप्टर पिन हटा देंगे हम इसकी। इतना आते ही फिर से अडाप्टर पिन हटा देनी है। ऐसा हमने कम से कम 7-8 बार करना है, कई बार इससे ज्यादा भी जरूरत पड़ जाती है। 7-8 बार ऐसा करने के बाद हम इसको ऑन होने देंगे। इसमें आपका बॉक्स खराब भी हो सकता है, ये सब आपने अपने रिस्क पे करना है। और अगर आपकी ये स्क्रीन यहाँ पे स्टक हो जाती है इनिशियलाइजिंग पे ही, तो मैंने एक इससे पहले वीडियो दे रखी है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम। आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब मैं देख लेता हूँ ये डाउनग्रेड हुआ है कि नहीं हमारा सॉफ्टवेयर। तो देखिए ये हमारा एंड्रॉयड पुराने टाइप आने लग गया है, हमारा ये सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड हो चुका है। तो जो अब डाउनग्रेड होने के बाद कौन सा इसमें वर्जन आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें थोड़ा टाइम लेगा लोडिंग लेने में। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड कर सकते हैं। ये मैंने 7-8 बार पिन को निकाला है जब ये इनिशियलाइजिंग स्क्रीन पे आता है। अब इसमें एप्लीकेशन वर्जन देख लेते हैं क्या है। एंड्रॉइड सेटिंग्स में जाके डिवाइस प्रेफरेंसेस अबाउट सिस्टम अपडेट, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्मवेयर वर्जन है 2.3.0 आ चुका है, एप्लीकेशन वर्जन है 2.1.4, एंड्रॉइड वर्जन 9 ही रहेगा। तो अब ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड हो चुका है। सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड करने के बाद, तो आज की वीडियो में आपने देख लिया हम कैसे एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स का सॉफ्टवेयर डाउनग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे चेक फॉर अपडेट करते ही दोबारा से सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। उसको रोकने के लिए आप एटीवी लॉन्चर करेंगे, उसके लिए वो कैसे करना है एक मैंने वीडियो बना रखी है पहले, वो आई बटन में आप देख लेना। नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे एक। अब इसमें यूएसबी डीबगिंग ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर हमारा डाउनग्रेड हो चुका है। एंड्रॉइड सेटिंग्स में जाएंगे, डिवाइस प्रेफरेंसेस, डेवलपर ऑप्शंस यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम यूएस डीबगिंग हम ऑन कर सकते हैं, ये भी हमें क्लिक करके ऑन करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसमें हम कैसे एटीवी लॉन्चर करेंगे और कैसे हम एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स को एक एंड्रॉइड बॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं, एयरटेल एक्सट्रीम ऐप रिमूव हो जाएगी उसमें। वो प्रोसेस करने के लिए मैंने एक वीडियो पहले डाल भी रखी है। ये ऐसे डाउनग्रेड किया हुआ हमारा एप्लीकेशन वर्जन है वो अपडेट ले जाता है, तो आपने रिमोट एडीबी शेल एक ऐप आती है, उससे आप इसको एयरटेल एक्सट्रीम ऐप को रिमूव करके एटीवी लॉन्चर इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे आप बिना चार्ज के एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स को एक एंड्रॉइड बॉक्स की तरह यूज कर सकते हैं और ऑनलाइन कंटेंट्स देख सकते हैं। रिमोट एटीवी शेल आपने कैसे यूज करना है, उसका मैंने लिंक आई बटन में दिया हुआ है, वो वीडियो मैंने पहले बना रखी है, प्लीज वो देख लेना। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करते हो तो नेक्स्ट वीडियो पूरी बना दो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर देना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।